आज ये ट्रैफिक वालों ने नाका लगा रखा था यहाँ पे। ये गाड़ी पीछे से आके गाड़ी में ठोक दी। अब ये ट्रैफिक वालों की गलती से इतना बड़ा नुकसान हुआ है। नमस्कार, आप सबका स्वागत है ट्रांसपोर्ट टीवी में। मैं हूं आपके साथ अनुराधा शर्मा और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। हाईवे पर खड़े कर्मी अचानक रुकवा रहे थे गाड़ियां, ड्राइवर की जान पर बनी, हुआ हादसा, कर्मी रफू चक्कर। आज 28 जनवरी 2023 नारनौल एक्सप्रेस हाईवे पर ये ट्रैफिक वालों ने नाका लगा रखा था यहाँ पे। ये लखन माजरा वाला कट है, स्टीकर बांट रहे थे, 250 की पर्ची काट रहे थे। उस बीच हमारी गाड़ी रुकवाई गई, गाड़ी रुकवा के हमारी गाड़ी पर्ची काटी गई। उसके बावजूद पीछे से गाड़ी आई है RJ1GC5357। ये गाड़ी पीछे से आके गाड़ी में ठोक दी। अब ट्रैफिक वालों ने गाड़ी साइड में रुकवाई, गाड़ी पीछे से आके लग गई। अब ये ट्रैफिक वालों की गलती से इतना बड़ा नुकसान हुआ है। कोई बैरिगेट नहीं था यहाँ पर, कोई कुछ भी नहीं था, रोड पर खड़े थे यहाँ साइड में गाड़ी लगा के। जैसे ही एक्सीडेंट हुआ, ट्रैफिक वाले गाड़ी लेके लखन माजरे वाले कट की तरफ को, रोहतक की तरफ को भाग गए। ये है ये बुलेरो गाड़ी के टायर के निशान है। गाड़ी का नंबर, गाड़ी नंबर, ये गाड़ी नंबर है HR19L6644। इसकी फोटो भी खींची गई। ये है सड़क सुरक्षा, जीवन रक्षा, जीवन रक्षा ये गाड़ी है। ये जैसे ही ओबे ट्रैफिक रूल इसके ऊपर लिखा है, ये ट्रैफिक वालों की गाड़ी है। सबसे पहले आप देखिए इस गाड़ी पर क्या लिखा है, सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा, ओबे ट्रैफिक रूल। लेकिन यहाँ तो ट्रैफिक कर्मी खुद ही इस बात को झुठलाते हुए साबित हो रहे हैं। अब हम ऐसा क्यों कह रहे हैं ये आपको बताते हैं। दरअसल नारनौल से अंबाला हाईवे पर 28 जनवरी सुबह 10 बजे के करीब ये हादसा हुआ। इस हादसे का कारण थी ये लापरवाही, ये ड्राइवर का कहना है। ड्राइवर ने कहा कि इस हाईवे पर बिना बैरिकेडिंग्स के अचानक ट्रैफिक कर्मी हाथ देकर गाड़ियां रुकवा रहे थे और फिर ये स्टिकर जो आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं वो बांट रहे थे। 250 रुपए की पर्ची काट कर ये स्टिकर सभी ड्राइवरों को दिए जा रहे थे। यहाँ पर इनकी गाड़ी को भी रुकवाया गया। ड्राइवर ने गाड़ी रोकी, तभी पीछे से आ रही ड्राइवर ने अचानक से ब्रेक लगाई और गाड़ी टकरा गई। आप देख सकते हैं कि गाड़ी का काफी नुकसान हो गया है। गनीमत रही कि दोनों ड्राइवर बच गए। लेकिन जिस तरीके से ये ट्रैफिक कर्मी गाड़ियां रुकवा रहे हैं, वो भी हाईवे पर, वो क्या सही है? क्या सिर्फ इन स्टिकर्स के लिए बिना नियमों की पालना किए अचानक हाईवे पर गाड़ियां रुकवाना मौत को बुलावा देने जैसा नहीं लगता? जहां गाड़ियां रफ्तार से दौड़ती है, ट्रैफिक कर्मी खुद नियमों की अवहेलना कर रहे हैं और जब हादसा हुआ तो ये कर्मी यहां से रफू चक्कर हो गए। अब इस हादसे का जिम्मेदार कौन है, इस नुकसान की भरपाई कौन करेगा? इस हादसे के बाद पुलिस को जानकारी दी गई। महम थाने की पुलिस यहां पहुंची, मामला दर्ज किया गया और ड्राइवर का कहना है कि पुलिस ने भी ये माना कि कुछ दिनों से यहां पर ऐसे सड़क हादसे ज्यादा हो रहे हैं जिसका कारण ट्रैफिक कर्मियों की लापरवाही है। ड्राइवर का कहना था कि पुलिस तो आ गई, लेकिन अब आगे होगा क्या वो सबको पता है, इसीलिए ड्राइवरों ने आपस में ही समझौता करने का सोच लिया। तो इसी तरह से ये कोई एक घटना नहीं है, इसी तरह एक और घटना की बात हम करते हैं जो कि उड़ीसा से सामने आई है, जहां दो गाड़ियां सामने से टकरा गई। आप देख सकते हैं कि एक गाड़ी में आग लग गई और यहां गाड़ियों के परखचे उड़ गए हैं। ये घटना राउरकेला से टाटा जाते हुए चूना घाटी में हुई। ड्राइवर ने बताया कि यहाँ रोड की कंस्ट्रक्शन चल रही थी, जिस वजह से एक ही रोड खुली थी, एक छोटी सी गलती हुई और हादसा हो गया। इस तरह के निर्माणाधीन रोड पर ड्राइवर भाइयों को थोड़ा और सावधानी से चलने की जरूरत है। साथ ही प्रशासन को भी ऐसे रोड्स पर सुरक्षा इंतजाम करने चाहिए, साइन बोर्ड्स इत्यादि लगाने चाहिए। तो फिलहाल आज के लिए इस ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, मैं जानता हूं कि ट्रांसपोर्ट के कारोबार में ढेरों चिंताएं हैं,
लेकिन अब कम से कम अपनी गाड़ी के बीमे की चिंता छोड़ दें। प्रीमियम आपको सबसे कम मिलेगा, पॉलिसी में किसी तरह की कोई कमी नहीं होगी और क्लेम हॉटलाइन की सुविधा 24 घंटे मिलेगी। बस गाड़ी की आरसी और पुरानी बीमा कॉपी ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप में डालें या 90831 90831 पर व्हाट्सएप कर दें। तो गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से।